हेलो जी, हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम देख रहे हैं टाइम टेबल फॉर क्लास 11 ह्यूमैनिटीज़ फॉर आसाम बोर्ड, और ये है स्पेशली नाइट आउस के लिए। ठीक है, तो मेरे आसाम वासियों, आप लोग कहाँ हो, जल्दी से जाके कमेंट में अटेंडेंस लगवा दीजिए। देखते हैं बस मेरे चैनल पर CBSE वाले ही आते हैं या आसाम वाले भी हैं। तो हाँ जी, अगर हो आसाम वासी हो तो अटेंडेंस लगवा दो। तो चलिए देखते हैं। तो हाँ जी, देखिए, इफ़ द प्लान डज नॉट वर्क, चेंज द प्लान नॉट द गोल। तो हर किसी के लाइफ में एक गोल होता है, तो एक गोल, पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने के लिए एक प्लान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपका प्लान नहीं काम कर रहा है ना, ठीक है, आप देख रहे हो गोल में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही है, तो एक बार सोचिए, आपने प्लान बनाया है क्या, ये प्लान परफेक्ट है? अगर नहीं आ रहा है प्लान परफेक्ट, तो प्लान को चेंज कीजिए, गोल को नहीं। गोल आपका हमेशा सेम रखना है। बार बार लोग गोल को नहीं चेंज करते, प्लान को आप चेंज करते कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ जी, देखिए, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर टाइम टेबल के वीडियो में बोलती हूँ, यू कैन चेंज द टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल यू कैन चेंज द टाइम टेबल। अभी मैं जो बता रही हूँ, ये नहीं है कि सबके ऐसे ही टाइम टेबल होगा। मेरे को पता है कि कॉलेज 9 बजे से शुरू होता है, बट अगर आपका ट्यूशन है कॉलेज के बाद, तो ऐसा नहीं है कि मैंने दिया है कि 4 बजे आप घर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप 6 बजे भी घर आ सकते हो ट्यूशन करके, इजंट इट? हाँ, तो आप चेंज कर सकते हो टाइम टेबल। और हाँ, पहले ये दिखाती हूँ, नेवर रिग्रेट, आपको रिग्रेट नहीं करना है कि आपको टाइम टेबल आपसे फॉलो नहीं हो रहा है, ये कोई इशू नहीं है। अगर आपसे टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है, फिर भी आप ट्राई कर रहे हो टाइम टेबल फॉलो करने का, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो देख सकते हो। वो अबाउट है कि बिना टाइम टेबल के आप कैसे पढ़ सकते हो, कैसे 95+ ला सकते हो। ठीक है, अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा तो रिग्रेट ना कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि 365 डेज ही टाइम टेबल फॉलो हो, ऐसा भी हो सकता है आपका पर्सनल इशू के लिए, आपका कुछ काम पड़ जाए या बीमार हो, नहीं हो सकता है टाइम टेबल फॉलो। कोई भी टाइम टेबल परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, प्रैक्टिकल होता है टाइम टेबल, आपको उसे आपके अकॉर्डिंग चलाना है। ऐसा नहीं करना कि टाइम टेबल आपको उसके अकॉर्डिंग चलाए, ठीक है। तो देखो, एक एग्जांपल देती हूँ, आपके 100 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उस 100 स्टूडेंट में से ऐसे होंगे बस 20 स्टूडेंट्स जिसका परफेक्ट टाइम टेबल है, परफेक्ट शेड्यूल है, और उस 20 स्टूडेंट में ऐसे भी हो सकते हैं जिसके सिर्फ 60% आते हैं एग्ज़ाम में, और उस 100 स्टूडेंट में ऐसे भी 80 स्टूडेंट निकल सकते हैं जिसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, फिर भी वो 90+ ला रहे हैं। तो टाइम टेबल डज नॉट मैटर, तुम कैसे पढ़ते हो, एक लंबा खासा टाइम टेबल आप बना के बैठे हो, 8 आवर्स+ आप स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी 8 आवर+ सोच रहे हो, 8 आवर+ आप सेल्फ स्टडी करेंगे, और आपका आ रहा है अगर 60-50, तो ये सेल्फ स्टडी का कोई तो फ़ायदा नहीं है ना। तो थोड़ा पढ़ना है, चाहे हम 5 घंटे पढ़ लेंगे, ठीक है, 5 घंटे पढ़ के भी हम 80+ लाएंगे। ओके, है क्लास 11th में आ गए हो, आपका क्या क्या है लाइफ में, कॉलेज है, कोचिंग है, सेल्फ स्टडी है, कॉलेज जा रहे हो, बहुत बढ़िया, एब्सेंट नहीं डालना है कि कॉलेज इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, कॉलेज में जा रहे हो, तो अगर भी कोई क्लासेस नहीं हो रहा, फिर भी जाओ अटेंडेंस के लिए, एक 2-4 दिन मिस कर दो, कोई नहीं, अटेंडेंस इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भी अच्छा है ना, बैठे रहोगे क्लास में, क्या करना है, बट आई नो 7 घंटे बैठना आसान नहीं है। फिर कोचिंग आ गया, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर कोचिंग सेंटर अच्छा नहीं है तो जस्ट लीव द कोचिंग सेंटर, बस मस्ती हो रहा है, ऐसे कोचिंग सेंटर का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके यूट्यूब में ढेर सारे कंटेंट्स है, फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि फ्री का कंटेंट बकवास है, तो जाओ 4-5 हज़ार का कोर्सेस देके मोबाइल से पढ़ लो, बट ट्यूशन छोड़ दो, ट्यूशन में टाइम जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है ना, बाद में समझोगे, ट्यूशन में टाइम जा रहा है,
और कोर्सेस आसाम वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो यूट्यूब से पढ़ो अगर चाहिए। यूट्यूब में मैं आप लोगों के लिए चैनल रिकमेंड कर दूँगी, बट ट्यूशन छोड़ दो। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ ट्यूशन, बट फिर भी यार टाइम बर्बाद हो रहा है। फिर आपका सेल्फ स्टडी आ गया। सेल्फ स्टडी मैंने इधर रेड इंक से स्टार मार्क लगा दिया है, तो सेल्फ स्टडी ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको सेल्फ स्टडी को ही अपना गुरु मान के चलना है, अपने आपका सब कुछ मानना है आपके सेल्फ स्टडी को ही, ठीक है। सेल्फ स्टडी में ज़्यादा ध्यान दो। तो हाँ जी, मैं फिर से बोल रही हूँ, टाइम टेबल कोई भी परफेक्ट नहीं होता, टाइम टेबल प्रैक्टिकल होता है। आपको टाइम टेबल को आपके अकॉर्डिंग चलाना है, टाइम टेबल आपको उसके अकॉर्डिंग चलाए ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। फिर देखो टाइम मैनेजमेंट, सबके लाइफ में यही एक फंडा बन गया है टाइम मैनेजमेंट। इवन मेरे लाइफ में भी टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा, तो टाइम मैनेज कर लो, फन, कॉलेज, ट्यूशन, यूट्यूब सब हो जाएगा, सब है इस टाइम मैनेजमेंट के हाथ में। ओके, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दो। मे बी आज मैं थोड़ा डल लग रही हूँ, वॉइस थोड़ा लो आ रहा है शायद मेरा। हाँ जी, तो टाइम टेबल देख लो। देखो ये जो टाइम टेबल बनाया है मैंने, ये 9 बजे से आपका कॉलेज है इस अकॉर्डिंग बनाया है। ओके, आप उठ गए 8 बजे, रेडी हो गए 8 से 8:45 तक, कॉलेज हो गया आपका 9 to 4, 7 आवर का कॉलेज कर लिया, घर वापस आ गए 4 to 4:30, 30 मिनट्स इनाफ है घर वापस आने के लिए। फ्रेंड्स के साथ अड्डा मत मारने चले जाना। ब्रेक ले लिया आपने 4 to 4:30 to 6, 2.5 आवर्स का। इधर आप क्या करेंगे, नैप लीजिए, लंच कीजिए, बात कीजिए, इतना कर लीजिए बस, ठीक है। और दिया है क्योंकि मुझे पता है आसाम में बहुत सारे ऐसे हैं कि कॉलेज के बाद ट्यूशन करने जाते हैं। ट्यूशन है आपका 4 to 6, 3 घंटे का। फिर आप घर आ गए, ब्रेक ले लिया 6 to 7 का, 1 घंटे का, ख़त्म। अभी आ गया आपको पढ़ना है इतने टाइम, ठीक है। 7 to 8 आपका फर्स्ट स्टडी का ब्रेक, 1 घंटे का कर लिया, यूट्यूब में लेक्चर देख लिया, होमवर्क कर लिया, प्रोजेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया, आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो। फिर सेकंड है आपका 8 से 9:30, 1.5 आवर का पढ़ लिया। फिर डिनर कर लो 9 to 9:30 to 10 PM, 30 मिनट्स, अगर जल्दी हो जाए तो कोई ना, थोड़ा आराम कर लो। फिर स्टडी 3, 10 to 11:30, 1.5 आवर्स का कर लिया। फिर ब्रेक ले लिया 1:30 to 12, 30 मिनट्स का, बेड में मत चले जाना, नींद आ जाएगा वरना। फिर आपका 4 स्टडी 12 to 2 बजे तक, 2 आवर्स का, और फिर सो जाओ 2 बजे से लेके 8 बजे तक। और 2 आवर देख के, 2 बजे तक देख के मत सोचना कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगा, नींद कंप्लीट नहीं होगा। इधर ही मैंने तुमको 6 बजे तक दे दिया है रात को सोने का, और दिन में तो और भी सो गए ना। तो देखो अगर कॉलेज आपका कॉलेज हो गया आपका 7 घंटे का, स्टडी कर लिया, सेल्फ स्टडी कर लिया आपने 6 घंटे का, सो गए आप 6 घंटे का रात को, और दिन में 5 आवर्स का, अगर 2 भी घंटे नहीं सोते तो 1 घंटे तो सो ही जाओगे, हो गया 8.5 आवर्स, परफेक्ट। इतना नींद मैंने कभी, अभी इतना दिन तक मैंने 2 टाइम टेबल अपलोड कर दिया, इतना नींद मैंने कभी भी नहीं दिया है टाइम टेबल में, टू बी ऑनेस्ट। बट आई डोंट नो आपका टाइम कैसे निकल गया। ये जो टाइम टेबल मैंने ये बताया है ना आपको, अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट टाइम टेबल बताया है, क्योंकि मैं भी ऐसे फॉलो नहीं करती हूँ, मेरा भी नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट। आपका कॉलेज में 7 आवर चले गए, 6 आवर्स स्टडी कर रहे हो, कितना इफेक्टिव होगा पता है आपको, 5 आवर्स भी नहीं। मैंने CBSE वालों को बस 5 to 5.5 आवर्स का दिया है, आपको मैंने टाइम निकाल के 6 घंटे का स्टडी आवर्स दिया है। कैन यू इमेजिन कितना इफेक्टिव होगा आपका स्लीप भी 6 घंटे का आपको रात को, हाउ इफेक्टिव इट वुड बी। और 2 घंटे का रात दिन में आप सो रहे हो, सोचो कितना अच्छा आपका, अगर ये शेड्यूल आप फॉलो करेंगे कितना अच्छा होगा। ओके, ठीक है।
तो हाँ जी, मेरा टाइम टेबल आप 7 दिन के लिए फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद मुझे कमेंट पे आके आपका प्रोग्रेस बताइए, रिजल्ट बताइए। अगर बुरा हुआ तो बुरा रिजल्ट बताइए, अच्छा हुआ तो अच्छा रिजल्ट बताइए। होप से बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ जी, इतना ही था वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप मेरे नए से नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहे। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।